चलो आज सी हल्क की एबिलिटीज और पावर्स के बारे में बात करते हैं। ब्रूस बैनर ने अपना ब्लड ट्रांसफर किया था सी हल्क के अंदर, तभी उसको सारी एबिलिटीज मिली थी। टेलीपैथी इम्यूनिटी की वजह से इसका माइंड कोई भी रीड नहीं कर सकता। सी हल्क को कोई भी डैमेज नहीं दे सकता क्योंकि स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर ये कभी भी डैमेज हो जाती है तो डेडपूल की तरह वापस रिकवर भी हो सकती है। सुपर ह्यूमन स्पीड, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल है। वो जब चाहे तब वो सी हल्क बन सकती है और जब चाहे वो वापस ह्यूमन बन सकती है। ब्रूस बैनर की तरह नहीं कि कभी भी कुछ भी आ रहा है। सुपर स्टेमिना, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है उसके एंगर और फेयर के अकॉर्डिंग, मतलब इमोशन के अकॉर्डिंग, जो कि सेम टू सेम हल्क के अंदर भी होती है। लंबी लंबी छलांगे मार सकती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट इसकी पर्सनल स्किल है जिसके अंदर इसको हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पायलट भी काफी अच्छी है। एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी बहुत ज्यादा आसानी से झेल सकती है। अब ब्रूस बैनर के ब्लड से बनी है तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकती है जब चाहे। मार्बल भी बिलाई हमारी थोड़ी थोड़ा सा कम है के। यूट्यूब शॉर्ट्स के अलावा अगर तुम लोगों को वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं सोच तो रहा हूँ वीडियोस भी बनाने की।